welcome back to Vedika Commerce classes. Here we are not going to start any chapter today, but we are going to discuss an important announcement done by our government yesterday on 29th July 2020. Okay? And that is about education policy of India. Okay? So that is new education policy 2020. Aur ye jo changes aaye hain, these are After 34 years, लगभग 34 years के बाद, ये समझ लो इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार ही इतने मेजर वे में हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस आए हैं और होपफुली ये चेंजेस जो हैं वो हमारे आने वाले यूथ को, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होंगे, हमारी कंट्री के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है उसको इम्प्रूव करेंगे, हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे. सो लेट्स डिस्कस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ओके, एनईपी बाय द डेट वी स्टडी वन एनईपी, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड इट वॉज डन इन 1991. बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट एनईपी, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट एनईपी, रिसेंट एनईपी, दैट इज रिगार्डिंग आर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. फाइन, कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, तो वो डिसीजंस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज न्यू स्कूल स्ट्रक्चर. अभी तक हमारे पास जो स्कूल स्ट्रक्चर है दैट इज 10+2, मीन्स 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स मेनली हमें चाहिए होते हैं. हम आगे फर्दर किसी भी डिग्री के लिए, किसी भी कोर्स के लिए जा रहे होते हैं तो मेनली हमारे 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट वी नीड. ठीक है, लेकिन अभी जो हो रहेगा हमारे पास जो प्रोसेस रहेगा, जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा क्लासेस का, दैट इज 5+3+3+4. मीन्स आपके 5th क्लास तक आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो फाउंडेशन क्लासेस रहेंगी, 6th से 8th तक जो रहेंगी वो प्री स्कूल बोला जाएगा, और 8th ऑनवर्ड्स आपका हाई स्कूल जो हमारा अभी तक था वही बोला जाएगा. ठीक है, तो वो 8th ऑनवर्ड्स आपका हाई स्कूल होगा. नाउ डिग्री ऑफ 4 इयर्स विद माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट्स, डिग्री ऑफ 4 इयर्स. By the date, we have degree of 3 years. 3 years, कोई भी normal आप BBA, BCA, BCom, whatever आप जो भी करते हैं, BSc, BA, जो भी आप करते हैं, that is of 3 years. But now onwards, अब आपके पास जो है वो 4 years की रहेगी और उसमें आपको major और minor subject choose करने पड़ेंगे. मेजर सब्जेक्ट जिसको आप मेनली पढ़ना चाहते हो और माइनर सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसके सपोर्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं. ठीक है, एंड वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 6th स्टैंडर्ड. मीन्स किसी भी बच्चे के लिए अगर उसकी कोई स्पेशल इंटरेस्ट रखता है तो वो 6th क्लास से ही उसके लिए वोकेशनल कोर्सेज या ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो इससे हमारी जो जनरेशन होगी, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी स्किल्स को बचपन से ही इम्प्रूव कर पाएंगे, अपना एक कोर इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे और उस फील्ड में वो अपनी एक्सपर्टीज ले पाएंगे. ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट्स कैन बी चूजन फ्रॉम 9th क्लास, और उसमें भी अब कोई स्ट्रीम नहीं बची है. हम अभी तक जो सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, यूपी बोर्ड में तो अभी भी हम 9th से ही चूज करते हैं, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर हम अपने सब्जेक्ट्स 11th क्लास से चूज करते हैं, हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना, और सब्जेक्ट्स भी बेस्ड ऑन स्ट्रीम्स, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं. फाइन, अब हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रीम रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर कोई साइंस पढ़ने वाला बच्चा, फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, म्यूजिक में उसको इंटरेस्ट है, तो वो फिजिक्स के साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले सकता है और दोनों की वेटेज जो रहेगी वो उसकी मार्कशीट में इक्वल रहेगी. दोनों ही अगर 100 मार्क्स के होते हैं तो दोनों ही इक्वल वेटेज रखेंगे. ठीक है, देन यूजीसी और AICTE, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो इस AICTE के अंदर टेक्निकल कोर्स कराने वाले कॉलेजेस आते हैं और यूजीसी आपका नॉर्मल ग्रांट कमीशन. ठीक है, तो दोनों मर्ज हो गए, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे. ऑल यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर वोकेशनल कोर्स कराने वाली यूनिवर्सिटीज हो, अब सबका जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो सेम होगा, सबके रूल रेगुलेशन सेम होंगे,
कोई अलग रूल से, लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी तो अपने ही रूल रेगुलेशंस चलाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी को उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। अब मल्टी एंट्री इज व्हाट, अभी हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ 4 इयर्स, हमारी जो कॉलेज डिग्री है वो 4 इयर्स की हो गई है, तो उस केस में कोई भी स्टूडेंट, अभी तक हमारे साथ होता था कि अगर हम उस डिग्री को, उस 3 इयर्स की डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तभी हमें वहां पे सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज तो हमें उस डिग्री का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या है, अब अगर वो स्टूडेंट 1 ईयर कंप्लीट करता है तो 1 ईयर के लिए उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उस कोर्स का, अगर 2 इयर्स कंप्लीट करने के बाद उसे छोड़ना पड़ता है कोर्स तो 2 इयर्स के लिए उसको डिप्लोमा मिलेगा उस कोर्स का, और अगर वो 3 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसका उस डिग्री का, उस कोर्स का उसको डिग्री मिलेगी, और अगर वो 4 इयर्स कंप्लीट करता है तो वो डिग्री उसको विद 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ मिलेगी, और ये 1 ईयर का जो रिसर्च एक्सपीरियंस होगा वो उसको आगे जब वो इंटरव्यू फेस करने जाएगा तो वहां पे उसको एज एन एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वो फ्रेशर वाला जो बच्चों में फोबिया रहता है, फ्रेशर वाले जो हेजिटेशन रहती है, वो चीज बच्चों की रिमूव हो जाएगी और हमारा जो यूथ है वो इम्प्लॉयबल बन जाएगा। ठीक है, तो मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट, तो अभी यहाँ पे अगर उसको छोड़ना पड़ा, सपोज सेकेंड ईयर करके, सेकेंड ईयर कंप्लीट करके उसको छोड़ना पड़ा तो 2-3 साल के बाद वो ही फील्स के वो उसे दोबारा वो ज्वाइन कर सकता है, तो यहाँ पे मल्टी एंट्री वो वापस आके उसी कोर्स में एडमिशन ले सकता है, और अब उसकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो 3rd ईयर से स्टार्ट होगी, ना कि 1st ईयर से, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। कभी भी स्टूडेंट एग्जिट कर सकता है और कभी भी स्टूडेंट एंट्री ले सकता है उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज इसी के साथ साथ उसके जो रैंक होगी, जितना भी उसने कोर्स कंप्लीट किया है उस कोर्स के अकॉर्डिंग उसको कुछ मार्क्स उसके डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, कुछ पॉइंट्स उसके डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, और जैसे ही वो रीज्वाइन करता है, रीज्वाइन करने के साथ साथ उसके जो अभी तक स्कोरिंग थी वो स्कोर उसका एड कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। मीन्स अब कोई भी स्टूडेंट फ्रेशर नहीं रहेगा इस केस में। देन हर स्कूल के अंदर जो है वो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर मींस वही जो हम अभी हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम बोलते हैं, अभी उसको सेमेस्टर के फॉर्म में पढ़ा जाएगा। ठीक है, एंड देन हमारा जो स्कूल्स का ज्यादातर सिलेबस है, सारे ही स्कूल्स का जो है वो 30% तक कम कर दिया गया है, और अब जो फोकस रहेगा, मेन फोकस रहेगा वो उनके प्रैक्टिकलिटी पे और उनके एप्लीकेशन पे रहेगा। वो जो रटने वाली चीज थी, जो हम पढ़ लेते थे, रट लेते थे, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के टाइम पे कुछ मंथ्स, कुछ डेज वो कुछ वो हेल्प बुक लेके रट लेते हैं क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस जो पिछले 10 ईयर से आ रहे हैं, 5 ईयर से आ रहे हैं, उनको रट लेते हैं और पास हो जाते हैं, वो सिस्टम अब यहाँ पे नहीं रहेगा। अब उसको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पैनल, ये जो सारे चेंजेस लिए गए हैं, जो पैनल उसके लिए बनाया गया था, उस पैनल को हेड किया है इसरो चीफ, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इसरो चीफ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रहे हैं मिस्टर के कस्तूरी रंजन, तो उन्होंने इसको हेड किया है, उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के अंडर ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं, और ये इन सब चेंजेस को लाने के पीछे जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू मेक इंडिया नॉलेज सुपर पावर। नॉलेज सुपर पावर हमारी कंट्री, ये हम स्टडी नॉर्मली पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो जल्दी सुपर पावर बनने वाली है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स काफी सारा है, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, चाइना को हम सरपास कर देंगे बहुत जल्दी, अगर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स वाइज हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे, तो उस केस में जब अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहा है तो उनकी क्वालिटी भी डेवलप करे, उनकी स्किल्स भी हमारे इंप्रूव करे, इस एम को लेके हमने ये सारे चेंजेस किए हैं। और एक और चीज, हमारी जो HRD मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाएगी। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स मेनली जो फोकस रहेगा वो एजुकेशन डेवलपमेंट पे रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट कम्स के ये अप्लाई कब से होगा,
अभी इस पेंडेमिक की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से जो सेशन है वो जुलाई से ना होके, हमारा जो अप्रैल मार्च मार्च अप्रैल से जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट ना होके ये हमारा सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और सितंबर अक्टूबर से ही गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहेगी कि इसी टाइम से, इसी ड्यूरेशन से, इसी फाइनेंशियल ईयर से, इसी एकेडमिक ईयर से इसको स्टार्ट कर दिया जाए। तो होपफुली ये हमारी कंट्री की जो स्किल्स है, हमारी कंट्री का जो एजुकेशन लेवल है, हमारा जो लिटरेसी रेट है उसको इम्प्रूव करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।